हमारे समाज के अंदर तीन क्लास पैदा हुए, दैट इज पुअर, मिडिल क्लास एंड रिच। जातियों के हिसाब से, धर्म के हिसाब से अपन अलग अलग हो सकते हैं, 500, 5000, 50000 जातियां होगी इस देश के अंदर, लेकिन आर्थिक रूप से देखा जाए तो हमारे समाज में सिर्फ तीन जाति है, एक गरीब, एक मध्यम वर्ग और एक अमीर। और एक्चुअल में मध्यम वर्ग भी, ये तो अंग्रेज लेकर के आए इस शब्द को मिडिल क्लास, क्योंकि गरीब किसी को कहलाना अच्छा नहीं लगता था। जब वो मिडिल क्लास लेकर के आए तो अपन दो शब्द और लेकर के आए कि मैं मिडिल क्लास का नहीं हूं, मैं अपर मिडिल क्लास का। अरे गड़ी में पॉइंट, हम अपना दिल बहला रहे। तो तीन लोग हो गए, लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास। एक्चुअल में हमारे देश में तो दो ही थे, गरीब थे या तो अमीर होते थे। अंग्रेजों ने एक शब्द घुसाया, मध्यम वर्ग वॉज नॉट अवर वर्ड, अंग्रेज लेकर के आए मिडिल क्लास, फिर अपन लेकर के आए लोअर मिडिल और अपर मिडिल। इस फोटो में जब मैंने पहली बार इस फोटो को देखा तो मुझे लगा यार बिल्कुल सही बताया है। आप देखिए, पुअर, मिडिल एंड रिच, इन तीनों में यदि अपने अपने डेस्टिनेशन पर कोई सेटल है ना, तो जो गरीब है और जो अमीर है वो सेटल है, मध्यम वर्ग वाला टंगा हुआ है। उसकी वजह क्या है मालूम है? ये इस वजह से परेशान है क्योंकि ये यहां रहना नहीं चाहता और यहां जाना नहीं चाहता। उसे कोई गरीब कहे तो उससे बड़ी परेशानी है, आई एम नॉट पुअर। एक्चुअली में देखा जाए तो इस क्लास में और दोनों क्लास में, आप ट्रेन में भी यदि देखोगे ना तो ट्रेन में तीन कंपार्टमेंट होते हैं, जनरल, स्लीपर एंड एसी। जनरल इज पुअर क्लास, स्लीपर इज मिडिल क्लास एंड एसी इज रिच क्लास। आप सबसे ज्यादा शांति देखेंगे, मजे देखेंगे तो आपको जनरल और एसी में लोग मजे करते हुए नजर आएंगे। मिडिल क्लास वाला बेचारा, मतलब स्लीपर वाला, रिजर्वेशन करा के भी परेशान रहता है। समझ में आ रहा है? हमें लग रहा है कि जनरल में कितनी दिक्कतें हैं, इतने इतने लोग एक साथ बैठे हुए हैं, लेकिन वहां पर कोई किसी से लड़ाई नहीं कर रहा है। ट्रेन के आने के 3 घंटे से पहले ही जनरल का डिब्बा जहां आने वाला होता है ना, वहां पर लोग खड़े हो जाते हैं, वहां पर लोग खड़े रहते हैं, आने के बाद इमीडिएटली मतलब घुसना चालू करते। एक आदमी घुस पाए उतनी जगह में से तीन तीन चार चार घुस जाते, किसी के डब्बे गिर जाते हैं, किसी का थैला टूट जाता है, किसी का पानी का बॉटल नीचे गिर जाता है, फिर भी वहां पर आदमी भाग रहा है। और एक बार सेटल होने के बाद 3 लोगों की बैठने की जगह पर 7-7, 8-8 चढ़ के बैठे हुए, चलने की जगह नहीं है, टॉयलेट के बाहर लोग बैठे हुए, दरवाजे के ऊपर 2 लोग बैठ करके हजारों किलोमीटर दूर चले जाते। पंखा सिर्फ हवा खाने के लिए नहीं होता वहां पर, पंखा जनरल के डिब्बे में इससे चप्पल स्टैंड ऑल्सो, वो चप्पल का स्टैंड है। और आपको ताज्जुब होगा कि एक आदमी नीचे अपना टिफिन खोल सब्जी खा रहा है ना, तो ऊपर वाले ने रखे हुए चप्पल की मिट्टी भी उसकी सब्जी में गिर रही है, लेकिन फिर भी बंदा बिल्कुल भी मस्ती से खा रहा होता है। आपको जनरल के डिब्बे में ही लोग दिखेंगे कि जो तबला और मंजीरा लेकर के भजन कीर्तन करते करते हजारों किलोमीटर तक का सफर कर लेते, आपको स्लीपर और एसी में कभी ये नहीं दिखेगा। सोए हुए आदमी के कंधे पर पैर रख करके लोग चले जाते हैं, और आप एसी में जाओ, स्लीपर में जाओ, वहां पर थोड़ा सा टच हो जाएगा तो बोला भाई जरा जुइने चालो ने, और वहां पर सोए हुए आदमी के कंधे पर पैर रख करके चले जाते, फिर भी वहां पर अच्छा कौन है ठीक है जा, मस्ती है वहां पर। हमारे घर में दीवार के ऊपर थोड़ा सा पानी लग जाए ना, भेज आ जाए तो भी हम परेशान हो जाते हैं, हम भेजा भेज। उसके घर में बारिश में ऊपर से पानी टपक रहा है, खटिया लेकर के सोया था, खटिया थोड़ी साइड में करेगा, देसी दारू का आधा ग्लास भरेगा, बाकी ऊपर से टपक से हुए पानी से पी के मस्त पी के वापस सो जाएगा। समझ में आ रहा है? दे आर वेरी मच हैप्पी। ठीक है, इवन आप त्योहार में भी देखो, आप जन्माष्टमी में देखो, आप अंबाजी जाओ पूनम के दिन, ज्यादातर लोग आपको वही मिलेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है चलते चलते जाने में, मस्ती से चलते चलते चले जाएंगे। अब पावागढ़ जाओगे ऊपर में तो वहां पर उनको कोई धक्का मुक्की में परेशानी नहीं होती। हम में से ज्यादातर लोग ये करते हैं कि नीचे बैठकर दर्शन कर लेते, बोले मां नहीं आ पाऊंगा इसमें तो यहीं से ठीक हो, उनको कोई आपत्ति नहीं है, दे आर वेरी मच हैप्पी। द रीजन इज आदमी में 2 चीज हो ना तो वो मस्त रहता है। द रीजन इज कि पुअर आर वेरी हैप्पी, उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि जीना इसी का नाम है।
हम होली खेलने के लिए क्लब में भी जाते हैं ना, मिडिल क्लास का आदमी आजकल थोड़े से पैसे खर्च करके क्लब में जाने लगा, तो भी हमें आने के बाद में टेंशन रहती है। और उससे देखो कि ना पुअर में, अब चालियों में जाओ, वहां पर बढ़िया सा कीचड़ करके लोगों को घर में सा ला ला करके लपेट दे, उसमें कीचड़ गिराएंगे, किसी के ऊपर गोबर डालेंगे, फिर भी बंदे मस्त है, खड़े होकर के डांस करना चालू कर देंगे। आपको नागिन डांस करते हुए लोग मिलेंगे कीचड़ में, ये जो नागिन डांस कर रहे मस्ती से, उनको कोई दिक्कत नहीं है, दे आर वेरी मच हैप्पी। दूसरा खुश कौन है? ट्रेन में एसी वाला, ही इज वेरी हैप्पी, क्योंकि उससे बड़ा मस्त है, कुली को पैसा दिया, वो सीट के नीचे सामान चेन करके चला जाता है, चद्दर बिछाने वाला आता है, गद्दा देने वाला आता है, ओढ़ने देने वाला आता है, पिलो रखा हुआ है, कुछ भी घर से वो फूंक मार मार के फुलाने वाला पिलो लेके नहीं जाना पड़ता, जो स्लीपर वाले को लेके जाना पड़ता है ना, खाने के टाइम पे खाना आता है, चाय के टाइम पे चाय आती है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। और ऊपर से अटेंडेंट आकर के उठाता है, अगर उसे बोल दिया जाए कि सुबह 5 बजे बोरीवली आएगा, मेरे को उठा देना, मेरे को बांद्रा उतरना है, तो बेचारा प्यार से एकदम, सर बोरीवली आया, उसे लगता है इसी को घर लेके जाओ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दे आर वेरी मच हैप्पी। परेशान कौन है? स्लीपर वाला, जिसे जनरल में जाना पसंद नहीं और एसी में जा नहीं सकता, तो रिजर्वेशन करा करके स्लीपर में आया, स्लीपर में खिड़की खुली है क्योंकि एसी है नहीं, चद्दर बद्दर है नहीं, घर से चद्दर भी लेकर के आना, ऊपर से बेचारे को ज्यादा सामान लेके आना पड़ता है, जनरल वाले से और एसी वाले से ज्यादा सामान स्लीपर वाले का रहता है, क्योंकि उसे चद्दर, वो फुलाने वाला पीलो, वो खाना बना सब लेकर के आना पड़ता है। जनरल में तो पानी बेचने वाले भी नहीं जाते, क्योंकि उनको मालूम है यहाँ कोई पानी खरीद पिएगा नहीं, स्टेशन आएगा ये घर से बॉटल लेके आते हैं, एक आदमी जाएगा और फिर पूरे डब्बे में बांटेगा, जो दरवाजे में बैठे होंगे वो जाकर के लेके आएंगे, तो वहां भी पानी वाले परेशान नहीं करते, एसी में भी पानी वाले जाते नहीं है, चाय वाले जाते नहीं, यहाँ भी नहीं जाते, जाते कहाँ है? स्लीपर वाले के पास, उसे जगह जगह के बोलते चाय गरम चाय गरम। रिजर्वेशन कराने के बावजूद भी वो सो नहीं पाता, यहां से बंबई जा रहा होगा ना, बड़ोड़ा आएगा तो इमीडिएटली खिड़की से आवाज आती है, जगदीश नो केवड़ो ले लो साहब, जगदीश नो केवड़ो ले लो, वो टिकट लेकर के भी परेशान है, रिजर्वेशन करा के भी परेशान है वो सबसे ज्यादा। मस्त कौन सो रहा है? एसी वाला और जनरल वाला। समाज का सबसे दुखी वर्ग ये है, लेकिन उसके दुख की वजह भी ये है, यही खुद ही है, क्योंकि गरीबी में जीना नहीं चाहता और अमीर होना नहीं चाहता, तो बीच में लटकेगा ही लटकेगा, परेशान रहेगा ही रहेगा। अमीरों वाले सुख उसको मिलते नहीं है और गरीबी वाली योजनाओं का वो लाभ ले नहीं सकता। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। और इसलिए मुझे कई बार बिहार की कहावत याद आती है कि एक ही जगह रहना चाहिए, सैया या तो रेल में या तो जेल में। ये बीच में लटकने वाले जो लोग होते हैं ना, और वैसे भी हमारे समाज में बीच वालों को तो जगह ज्यादा मिलती भी नहीं है। लेकिन इसकी परेशानी की जो वजह है वो आज अपन समझना चाहते हैं कि वाई वी इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम सारे लोग मध्यम वर्ग में पैदा हुए तो क्यों हुए, उसकी वजह क्या है, क्या गलतियां करते हैं। और अचानक से कुछ भी नहीं होगा, चमत्कार नहीं होगा जो हम मध्यम वर्ग से निकल के अमीरी में पहुंच जाएंगे। हाँ, मध्यम वर्ग से निकल के गरीबी में जा सकते हैं। आदमी ऊपर अपने आप नहीं जा सकता, आदमी नीचे अपने आप जा सकता है, ये समझना।